जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे ग्लैमरस T20 लीग IPL है। हालांकि सब मानते हैं कि T20 क्रिकेट बल्लेबाज के लिए स्वर्ग है और एक गेंदबाज के लिए कब्रिस्तान, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कई बार हमने IPL में कम स्कोर वाले मैचों को देखा है जहां गेंदबाजी का कौशल बल्लेबाजी के ऊपर भारी पड़ा है। वही वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक बार फिर बल्ले और गेंद से बड़ा घमासान देखने को मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी फैंस की नजरें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। ऐसे में एक नजर डालते हैं IPL में अब तक के सबसे कम स्कोर वाली टीमों पर। नंबर 5 कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस 2008। कोलकाता नाइट राइडर्स साल 2008 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 15.2 ओवर में 67 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जो कि IPL के इतिहास का 5वां सबसे कम स्कोर है। नंबर 4 दिल्ली कैपिटल बनाम किंग्स 11 पंजाब 2017। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम साल 2017 में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मोहाली में 17.1 ओवर में 67 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। नंबर 3 दिल्ली कैपिटल बनाम मुंबई इंडियंस 2017। इस सूची में तीसरे नंबर पर भी दिल्ली डेयरडेविल्स है। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम साल 2017 में ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13.4 ओवर में 66 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। नंबर 2 राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कैपटाउन में 2009। राजस्थान रॉयल्स साल 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ केपटाउन में 15.1 ओवर में 58 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवरों में 138 रन बनाए और द्रविड़ ने 48 गेंदों में 66 रन बनाए। वही राजस्थान इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी। नंबर 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स 2017। IPL में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने साल 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोलकाता में 9.4 ओवर में 49 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवरों में मात्र 131 रन बनाए थे और नरेन ने 17 गेंदों में 34 रन की पारी खेली।